सभी साथियों को नमस्कार। राजनीति की समझ रखने वाले अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हाल ही में दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोषणा की है, दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकार से पूछा गया कि भाई आप महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये कहाँ से दे पाएंगे, चाहे वित्त मंत्री आतिशी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, हर जगह ये कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा बहुत है। पर सरकार क्योंकि ईमानदारी से चलती है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और हमारे पास स्कीम के सरकार के पास पैसा बहुत है। दिल्ली का पैसा है तो दिल्ली की जनता पर लगना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पैसे की कमी नहीं है और अगर पैसा है तो पैसा लगना चाहिए। लेकिन इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, इन्हें 7 साल हो गए। पिछले 6-7 साल से सैलरी में 1 भी रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई है। पूछा गया सरकार से कि भाई गेस्ट टीचर की सैलरी में आप बढ़ोतरी क्यों नहीं कर रहे हो, भाई 7 साल मायने रखता है। तो सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, कंगाली चल रही है। अब समझ ये नहीं आया कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को 1,000-1,000 रुपये देंगे क्योंकि सरकार की नीयत अच्छी है, पैसा बहुत है, तो फिर उसी सरकार में गेस्ट टीचर के लिए पैसा क्यों नहीं है। एक तरफ सरकार अमीरी का ढोंग करती है तो दूसरी तरफ गरीबी का रोना रोती है। अब अगर पैसा है तो गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाई जाए, जो राजनीतिक समझ रखते हैं कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है तो 7 साल से सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे और तुरंत बढ़ाई जाए, और अगर पैसे की कमी है तो फिर ये फ्री का क्यों लुटाया जा रहा है, ये फ्री का लुटाने का ढोंग क्यों रचा जा रहा है। क्या ये पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है ये मुद्दा, या सिर्फ ये चुनावी जुमला है, सिर्फ दिखावा है। एक्चुअल में सच्चाई सबको पता लगनी चाहिए, सिर्फ शिक्षा विभाग को ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों और दूसरे स्टेट को भी पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में दिल्ली की हकीकत, दिल्ली की कंडीशन क्या है। आम आदमी पार्टी अगर अमीर है तो एक तरफ अमीर और दूसरे तरफ गरीब क्यों, एक तरफ अमीरी का डंका बजा रही है तो दूसरी तरफ गरीबी का रोना क्यों रोया जा रहा है। दोस्तों शेयरिंग कर दो इस वीडियो को, और आपके पास क्या है इस मुद्दे पर, क्या दिल्ली सरकार अमीर है या गरीब है, क्यों दोनों जगह अलग अलग भेदभाव किया जा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें, सरकार तक वीडियो पहुंचाएं, इस बात को सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और सरकार तक ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में और प्रत्येक जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कितना ड्रामा चल रहा है और हकीकत क्या है, ये आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से है। बाकी देखें, दिल्ली सरकार के पास पैसा है तो अब ये देखना है कि कब दिल्ली के गेस्ट टीचर की सैलरी में सरकार बढ़ोतरी करती है, और 7 साल से नहीं बढ़ी है तो अब कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। अपना ओपिनियन हम जरूर रखें, इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट आपको शेयर करते रहते हैं। हमारे चैनल से जरूर जुड़िए सब्सक्राइब करके। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।